अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका होस्ट मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया है। सक्सेस सीरीज में एक जबरदस्त प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कामयाबी क्या है, एक सिंपल मैन के लिए कामयाबी क्या है, और उस सिंपल मैन जो है वो उस कामयाबी से पैसा कैसे कमाता है, इज्जत और शोहरत कैसे कमाता है। हम आपको बताएंगे कि कामयाब इंसान कैसे अपने अंदर तब्दीली लाकर इज्जत शोहरत और पैसा कमाता है। हम आपको बताएंगे, चाबियां बांटेंगे, वो चाबियां कामयाबी की जिनको अडॉप्ट करके एक आम इंसान जो है वो इज्जत शोहरत पैसा कमाएगा। इससे पहले हम अपना एक ये लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, एक आम इंसान की जिंदगी में कामयाबी का क्या मतलब है? हर इंसान के लिए कामयाबी डिफरेंट है, हर इंसान की ख्वाहिश डिफरेंट है, ये मैन टू मैन वेरी करती है। तो आप तवज्जो करें सर, आप प्लीज तवज्जो करें, ये हर इंसान टू इंसान वेरी करती है। जब उसकी ख्वाहिश वेरी करती है तो उसकी कामयाबी का विजन भी डिफरेंट होता है। तो एक आम इंसान के लिहाज से हर उस लफ्ज को हम कामयाबी बोलेंगे जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसका टारगेट था, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसके विजन के मुताबिक उसकी ख्वाहिश थी कि यह मिल जाए तो वो उसको मिल जाए, तो वही उसकी कामयाबी है। वही उसका विजन मिल जाए तो वही उसकी कामयाबी है, वही सक्सेस है। वो विजन उसको मिल जाए तो उसी विजन से उसको पैसा मिलता है, वही उसकी कामयाबी है। इज्जत शोहरत पैसा कमाने के लिए इंसान जब कामयाबी हासिल करता है तो इंसान की जिंदगी में ये चीजें आने के बाद क्या जरूरत है भाई, सक्सेस 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 लगे रहते हो, क्या जरूरत है? सक्सेस की हमारी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? वो इंपॉर्टेंस ये है, जब हम शॉर्ट टर्म सक्सेस हासिल करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म, फिर उससे आगे लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करते हैं, तो उसका कुछ आफ्टर शॉक्स होते हैं। वो आफ्टर शॉक्स जो है वो इंसान को बड़ा आदमी बनाते हैं। कैसे कैसे एक इंसान छोटा सा स्टार्ट करता है अपनी लाइफ तो उसके बाद वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, कैसे? वो ऐसे ही बनता है मेरे भाई। जब इंसान कामयाबी हासिल करता है, शॉर्ट टर्म गोल अचीव करता है, तो उसको क्या मिलता है? सबसे पहले कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके बाद एक उम्मीद मिलती है कि मैं इससे भी ज्यादा कमा सकता हूं, उसके बाद उसको सिक्योरिटी मिलती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी से वो इससे भी आगे जाता है, उसके बाद उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है, चार नंबर पे एबिलिटी बढ़ जाती है कि वो इससे भी ज्यादा अपनी कामयाबी में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद इंसान को मिलती है उसकी वेरिएशन मिलती है, उसको आइडियाज मिलते हैं, उसको अपने ऊपर उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने, एग्जीक्यूट करने का हुनर आ जाता है। ये सारी चीजें इंसान को मिलती हैं, इसलिए कामयाबी इंसान के लिए उसकी लाइफ में जरूरी है। और ये मैं आपको दिलवाऊंगा, कामयाबी मिलेगी तो पैसा इज्जत शोहरत मिलेगी। आज के लेक्चर में बार बार इज्जत शोहरत पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि कामयाबी जो है हर शख्स के लिए डिफरेंट है। जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो उसमें अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कहता है हाँ यार ये मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं मैं। जब वो ये कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस जो सक्सेस के बाद कॉन्फिडेंस आता है उसका रिजल्ट और अच्छा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस ट्रैक पे चल के मुझे कामयाबी मिलेगी, इतनी एफर्ट करके मुझे कामयाबी मिलेगी। उसमें उम्मीद पैदा हो जाती है कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़े टारगेट को वो अचीव करने के लिए जुड़ जाता है, वो उम्मीद उसको कामयाब करती है, उसको सिक्योरिटी आ जाती है कि यार अगर मैं ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ कामयाब हो गया हूं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ भी मैं आगे जाऊंगा। उसको पता चल जाता है कि कैसे मूव करना है आगे कि मुझे कामयाबी मिलेगी। अगर ये चीजें इंसान में की लाइफ में ना हो, सक्सेस इंसान की लाइफ में ना हो, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, कंपनी की लाइफ में, किसी ग्रुप की लाइफ में, किसी अपना सिविलाइज सोसाइटी की लाइफ में, अगर
किसी की लाइफ में ना हो ये सक्सेस, तो याद रखें वो आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की हासिल नहीं कर सकता, इज्जत नहीं कमा सकता, शहरत नहीं कमा सकता, ख्वाब ही रह जाता है उसका, पैसा नहीं कमा सकता, ख्वाब ही रह जाता है उसका। क्यों? वाई? इसीलिए वाई भाई, इसीलिए कि जब आपको वो हुनर नहीं आता पैसा कमाने का, आप में वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत, हौसला, करेज नहीं है जो सक्सेस के बाद आती है। सक्सेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ये बता रहा हूं मैं, सक्सेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ये बता रहा हूं कि जब आप सक्सेस हासिल करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, सेंस ऑफ वेलबींग मिलता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, एबिलिटी आती है, तो ग्रेटर लेवल, बड़े लेवल के ऊपर आप खेल सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस करेज आ जाती है कि आपने कैसे आगे अगले टारगेट्स को, अगले जो है आपके प्रोजेक्ट्स, कंपनी में कैसे कामयाबी करनी, जॉब में कैसे कामयाबी करनी है, ये चीजें आपको आती हैं। इसलिए कामयाबी, शॉर्ट टर्म कामयाबी, शॉर्ट टर्म सक्सेस की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। इसके साथ अपने दोस्तों को आज मैंने बार बार ये बताया कि सक्सेस के साथ इज्जत, शोहरत, पैसा कमाया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा। वो इसलिए बताया है कि मेरे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि ये कामयाबी से पैसा कैसे मिलता है, तो ऐसे ही मिलता है। आप जॉबियन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या अपनी लाइफ को टारगेट किया हुआ है आपने, सब में आप थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं जिससे आपका घर का सर्किट चल रहा है, लेकिन उससे हार्ड वर्किंग होती है, हेक्टिक काम होता है, थक जाते हैं, एक सेंस ऑफ आ जाती है कि यार ये बस सब कर दें, बड़ा मुश्किल है। तो जब मेरे इस लेसन को सुनकर आप वर्क करेंगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, सक्सेस इस तरह मिलेगी कि आसानी के साथ आप कहेंगे कि इतनी आसान। इसलिए इसके अलावा ये चार पांच चाबियां आपको दे रहा हूं, ये चाबियां अपनी जेब में रखें, जहां जिस चाबी की जरूरत पड़े उस चाबी को खोल लें, जिस ताले को लग जाए चाबी वो ताला खोल लें। स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। सबसे पहली जो आपकी चाबी है वो ये है कि आपको आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। देयर मस्ट बी क्लियरिटी इन योर माइंड अबाउट योर टारगेट्स। आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हो जी। अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अपना जब घर में क्या क्या किया, आपने आज रात क्या किया घर में लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भाई आप पार्क में, गार्डन में गए थे, क्या किया उधर, मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों से। आई नो वेल कि आप क्या करते हैं गार्डन में। मैं आपसे कुछ ये नहीं कह रहा कोई गलत बात, लेकिन ये है कि आप स्माइल ना करें जाहिद साहब, बात ये है, कम टू द पॉइंट, कि अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप प्रेइंग के लिए जाते हैं आपका दिमाग क्लियर होता है कि मैं प्रेइंग के लिए जा रहा हूं, ये क्लियर होता है कहां जा रहा हूं। जब आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए, टारगेट के लिए, यहां पे क्लियर होता है कहां जा रहा हूं, क्या करना है। आप जब डेट पे जा रहे होते हैं आपको पता होता है कि मैं डेट पे जा रहा हूं तो मैंने क्या करना है, क्या है सिस्टम, ऐसा ही है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप जहन में रख लें, ये तीन मिसालें ही रख लें, अगर किसी भी दिन आपको ये क्लियर ना हो आप कहां जा रहे हैं तो आप डिट्रैक हो जाएंगे, नेगेटिव चीजें आप पे हावी हो जाएंगी। अगर आपको ये ना पता हो कि मैं जा कहां करने का जा रहा हूं, ये पता चल गया लेकिन ये नहीं पता कहां जा रहा हूं, आप फिर भी डिट्रैक हो जाएंगे। इसलिए जहन में रखें, क्लियरिटी होनी चाहिए यहां पे कि मैं कहां जा रहा हूं और क्या करने जा रहा हूं। ये पहली चाबी है। अगर आप बिजनेसमैन है आपको क्लियर होना चाहिए आप अपने स्टाफ के साथ क्या बात करने जा रहे हैं, क्या करना है, स्टाफ को कैसे काम करवाना है, उसको क्या होमवर्क देना है। अगर आप जॉबियन है आपको पता होना चाहिए आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं। अगर आप जॉबियन है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपको काम में मजा भी आएगा। टारगेट हो या प्रोजेक्ट हो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है।
आपके इधर क्लियरिटी होनी चाहिए, इधर क्लियरिटी, ये पहली चाबी है, आपका काम आसान हो जाएगा। जहां आप ज्यादा टाइम लगाते हैं थक जाते हैं, वहां आप कम टाइम लगाएंगे और थकावट भी नहीं होगी, एंजॉय करेंगे अपने काम को। देयर इज फर्स्ट की। सेकंड की क्या है, अगर आप इसी चीजों को अपना तंजीम साहब प्लीज, अगर आप इन चीजों को फोकस करेंगे तो आपको बताऊं कि आपके दिमाग में कुछ चीजों के बारे में डेडलाइन होनी चाहिए, आपका टारगेट सेट होना चाहिए और आपकी डेडलाइंस बनी होनी चाहिए कि आपने जब यहां से काम स्टार्ट किया है तो एक हद तक आपने आगे जाना है, एक हद तक जाना है आगे। ये आपकी डेडलाइन होनी चाहिए कि मैंने अपने प्रोजेक्ट, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी फैक्ट्री में, या जो काम करने के लिए मैं जा रहा हूं, जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है उसके लिए ये डेडलाइन है, बाउंड्री है, यहां तक मैंने आगे जाना है, इससे आगे नहीं जाना। उसके बाद डेडलाइन के बाद आपके पास होना चाहिए कि ये आपका गोल है, आपका टारगेट सेट होना चाहिए। जब टारगेट सेट होगा, डेडलाइन आपकी आपके दिमाग में होगी, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, आप थकेंगे भी नहीं और इंजॉय भी करेंगे। ये चीजें बिफोर टाइम होती हैं। बिफोर टाइम आपने सेटिंग कर ली तो समझ ले आपका काम भी आसान और कामयाबी भी आसानी से मिल जाएगी। कामयाबी किस चीज का नाम है आपको पता है? किस चीज का नाम है? कामयाबी से आपके पास पैसा आता है, तो पैसा कमाने के लिए आप में क्लियरिटी होनी चाहिए, पैसा कमाने के लिए क्लियरिटी होनी चाहिए। दो नंबर, पैसा कमाने के लिए आपको आपके टारगेट सेट होने चाहिए और डेडलाइन होनी चाहिए आपके पास कि आपने इस जगह पे जाकर, डेडलाइन है आपकी, इस बाउंड्री से आगे जाएंगे तो आप अपने टारगेट से हिल जाएंगे, आप अपने टारगेट से डिट्रैक हो जाएंगे। एक बाउंड्री है, क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री होती है ना, डेडलाइन होती है, टारगेट्स होते हैं, उसी तरह उस बाउंड्री से आगे आपका टारगेट नहीं है। इसलिए ये दो चाबियां हो गई। तीसरी चाबी क्या है, क्या है तीसरी चाबी? आप लोगों ने याद रखे, जब आप प्लान बना लेते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेना सबसे बड़ा काम है। टेक एक्शन। जो आपने टारगेट अचीव करना है उसके लिए एक्शन करें, चाहे डेली अलहदा काम करें। आपका प्लान होता है डेली बेसिस पे इतना काम, वीकली बेसिस पे इतना, मंथली बेसिस पे इतना, ये टारगेट होते हैं आपकी लाइफ में। कोई भी काम, घर का काम भी ले लें तो डेली बेसिस पे करते हैं, खाना भी डेली बेसिस पे करते हैं, प्रे भी डेली बेसिस पे करते हैं, करते हैं ना, रिक्रिएशन भी डेली बेसिस पे करते हैं, आंखों का इस्तेमाल, आंखें चार जो करते हैं वो भी डेली बेसिस पे करते हैं, तो यार आपका काम भी डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये तीसरी चाबी है, क्लियरिटी, टारगेट और डेडलाइन, और तीसरे नंबर पे टेक एक्शन डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आज का काम कल नहीं छोड़ना, डेली बेसिस पे काम करना है, तीसरी की है। अगले दिन आएंगे तो आप थकेंगे नहीं, अगले दिन आएंगे तो काम पिछला हुआ होगा, अगले दिन आएंगे पेंडिंग काम नहीं होगा, अगले दिन आएंगे आपको शाबाश मिलेगी, हौसला होगा आपके पास आगे बढ़ने का। ये तीसरी चाबी आपकी। चौथी चाबी क्या है आपकी? आपने एडवांस में, आपको पता होना चाहिए कि आपका ये टारगेट है, एडवांस में आपको पता होना चाहिए कि यार इस चीज को इसने मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में खराबी पैदा करनी है, आपने उस खराबी को बिफोर टाइम खत्म करना है। जो आपकी खराबी है आपके बिजनेस में, बिफोर टाइम उसको खत्म करना है, उसको बियर नहीं करना, आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि यह खराबी है और खराबी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, उसको पॉइंट आउट करके गेट रिड ऑफ, थ्रो आउटसाइड द टारगेट, थ्रो आउटसाइड योर बाउंड्री, डोंट कंप्रोमाइज ऑन योर नेगेटिव थिंग्स, डोंट कंप्रोमाइज द थिंग्स जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके टारगेट में। उसके बाद आखिरी चीज है, कामयाब होना है तो नेवर गिव अप, आपने गिव अप नहीं करना, बस डट जाना है, जब डट जाएंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। ओके गाइस, मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेरे इस प्रोग्राम को लाइक करें और इसके साथ कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स जो है वो मेरी मोटिवेशन है। तो अपने होस्ट मुबशर नकवी को अगली वीडियो तक इजाजत दें, स्टे ट्यून्ड विद मी।